मोदी जी मैं भी बैठूंगा तुम्हारी गाड़ी पे, मैं भी बैठूंगा, तुमने सबको बैठा लिया, कोई नहीं बचा, मेरे सब साथियों को बैठा लिया तुमने। अरे योगी जी को भी बैठा लिया, राहुल को भी बैठा लिया, बुआ को भी बैठा लिया और दीदी को भी बैठा लिया, सबको बैठा लिया, मैं भी बैठूंगा, कहाँ जा रहे हो आप ये बताओ। अरे राहुल टायर के ऊपर से हट जाओ, दब जाओगे। अरे टायर के ऊपर मत बैठो, देखो हट जाओ। अरे अखिलेश हम अमित शाह जी की शादी में जा रहे हैं, समझे, उनकी शादी है, हम सबका इन्विटेशन है, अगर तुम्हारा इन्विटेशन हो तो पीछे कोई गाड़ी पकड़ के आ जाओ, इस पे तो जगह है नहीं। अरे मोदी जी ये तो बड़ा गलत किया अमित शाह जी ने, तुम सबको इनविटेशन दिया, मुझे कैसे छोड़ दिया, और मैं तो बैठ के जाऊंगा ही, उन्होंने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मोदी जी मुझे बैठा लो, टायर राहुल के ऊपर बैठा लो, समझे, राहुल वो बीच में छोटा सा दबा पड़ा है उसी के ऊपर बैठा लो मुझे। नहीं। अरे अखिलेश कैसी बात करते हो, हम सबका बुलावा है, इन्विटेशन है, तुम कैसे जा सकते हो, जब तुम्हें अमित शाह जी ने बुलाया ही नहीं है अपनी शादी में, तुम कैसे जा सकते हो, टायर के ऊपर से उतर जाओ, नहीं तो ये मोदी जी तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे, गिर जाओगे तुम। अरे अखिलेश तुम कह रहे हो राहुल के ऊपर बैठा लूं, अगर मैं राहुल के ऊपर तुम्हें बैठा लूंगा तो ये बताओ मुझे दिखेगा कैसे, कैसे दिखेगा। अरे गला सूख गया बिल्कुल जोर करते करते। अरे योगी जी देखना थोड़ा बहुत पानी पड़ा है, अरे पानी पी लूं, इस घोड़े ने तो बिल्कुल जोर लगाना बंद कर दिया है, ऐसा लगता है मुझे इस घोड़े को बदलना पड़ेगा, ये बिल्कुल जोर नहीं लगा रहा है, और खासकर जब वजन लदा होता है इसके ऊपर तो ये बिल्कुल भी जोर नहीं लगाता, कब से धक्का लगा रहे हो तुम भी, ये इस पानी से कीचड़ से निकल ही नहीं पा रहा है, और वो ऊपर देखो अखिलेश नवाब बने बैठे हैं बिल्कुल। अरे अखिलेश ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम दोनों बैल की तरह धक्का लगा रहे हैं और तुम ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इतने बड़े आदमी होकर ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती, समझे। अरे योगी जी मोदी जी मैंने अपने अनाज को खेत से घर ले जाने के लिए आपकी घोड़ा गाड़ी को किया है, समझे, और इसके लिए पैसे दिए, और ये भी तय किया था कि मैं ऊपर बैठ के जाऊंगा, अब तुमने इतना कमजोर घोड़ा पाल रखा है जो लोड ही नहीं ले रहा है अपने ऊपर, जो खींच ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो इसमें मेरी क्या गलती। अरे मेरा काम है पैसे देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अब तुम कैसे भी खींच के ले जाओ, अब घोड़े से खिंचवाओ या तुम बैल बन के खींचो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ पैसे दूंगा तुम्हें। अरे अखिलेश माना कि तुम पैसा दे रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है, ये तो देख लेते, हम कब से बैलों की तरह धकिया रहे हैं, हमारा घोड़ा दम नहीं दे रहा है, तो कम से कम तुम ही धक्का लगा देते थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बाइडेन और ट्रंप कैसे चले आए यहाँ पर बिना बताए, अरे बता तो देते, मैं इंतजाम कर लेता कुछ खाने पीने का, बिना बताए अचानक कैसे चले आए, सब कुछ ठीक तो है। अरे कुछ नहीं मोदी जी, ये बाइडेन कह रहे हैं कि मैं देश अच्छा चला रहा हूँ, तुमने देश बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलाया। अरे ये बताओ उस टाइम पे जब मैं राष्ट्रपति था तो मैंने अच्छा देश नहीं चलाया, तुम्हारे साथ मेरे कितने अच्छे ताल्लुकात थे, तुम ही बताओ। अरे ये बाइडेन खुद देश अच्छा नहीं चला पा रहे हैं तो अपनी कमियों को मेरे ऊपर उछाल रहे हैं, समझे, क्या बात है सर। अच्छा मोदी जी आप ही दिल से बताइए, ये उस टाइम ट्रंप जी जब राष्ट्रपति थे उस टाइम देश अच्छा चल रहा था हमारा, या अब अच्छा चल रहा है, या मैं बढ़िया चला रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बताना। अरे बच्चों की तरह लड़ना छोड़ो बाइडेन और ट्रंप, ट्रंप तुमने भी बहुत अच्छा देश चलाया था और बाइडेन तुम भी इस टाइम बहुत अच्छा देश चला रहे हो, दोनों ने ही अच्छा काम किया है, ये लड़ना छोड़ो बिल्कुल, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, ये बातें अपनी इलेक्शन के लिए बचा कर रखो जब इलेक्शन होगा। चलो आओ चलते हैं, मैं भी साइकिल से ही घूम रहा था, कुछ खाना पीना कर लिया जाए, तुम्हारे लिए मैं बढ़िया खाने का इंतजाम करता हूँ अभी। अरे जब तुम भारत में आई गए हो तो यहाँ पर बिना खाए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, हम भारतीय मेहमान नवाजी करने में मशहूर है पूरे वर्ल्ड में।